बुरहानपुर के निपानगर के सात पायरी में एक छात्रावास है जहाँ से जो है एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। आपको बता दें ये घोटाला जो है, आपको बता दें मिड डे मील का ये घोटाला है। बच्चों के नाम पे जो उनकी खाने पीने के नाम पे जो है लगभग लाखों रुपए के गऊ जो गेहूँ होते हैं राशन होता है वो ले लिया जाता था। क्या ये पूरा मामला है, इसकी शिकायत बुरहानपुर कलेक्टर से भी हुई है। क्या कुछ बुरहानपुर कलेक्टर ने इस मामले पर कहा है, क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से घोटाले का उजागर हुआ है, दिखाएगा आपको इस रिपोर्ट पर। यह बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल खकनार क्षेत्र के सात पायरी का ये छात्रावास स्कूल है। तस्वीरों में जितना सुंदर ये छात्रावास लग रहा है, हकीकत में इसके पूर्व के प्रचार और अधिशिका पर आरोप है, घोटाले के आरोप है। उन बच्चों के खाने के साथ में खिलवाड़ करने के, जी हाँ, नेपानगर के सात पायरी में स्थित ये छात्रावास के पूर्व प्रचार व अधिशिका पर आरोप लगे हैं कि इनके पूर्व प्राचार्य यानी प्रिंसिपल और वार्डन पर बच्चों को हर महीने मिलने वाले अनाज को ये लोग खुद ही अपने स्वार्थ के लिए बेच डालते थे, जबकि बच्चों के खाने की जिम्मेदारी गुजरात की सतनाम कैंटरिंग को मिली है, जिसके लिए हर महीने की महीने उस कैंटरिंग को लाखों रुपए प्रशासन पे करता है ताकि बच्चों को सही भोजन मिल पाए। लेकिन बच्चों को मिलने वाले अनाज में भी इन दोनों अधीक्षिका व पूर्व प्रिंसिपल ने घोटाला कर दिया और बच्चों के नाम से गेहूं और चावल ले लिए हैं, जिसकी शिकायत हुई है बुरहानपुर कलेक्टर भव्य मित्तल से। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी है, किस तरीके से हमने आपको बताया है ये पूरा मामला क्या था। कलेक्टर भव्य मित्तल अब इस पर क्या कह रही है, आप खुद सुनिए। शिकायत नहीं है हमको, बेसिकली जब हमने प्राचार्य बदला, पुराने में एक जाटव जी थे वहाँ पे प्राचार्य, तो उनको जब हमने बदला तो जो नए प्राचार्य आए तो उन्होंने हमारे संज्ञान में मामला लाया है कि जो हर छात्रावास को एक तरीके से खाद्यान्न मिलता है सेल्समैन के दुकान से, वो उस छात्रावास को भी मिल रहा था। लेकिन उस छात्रावास में क्योंकि आउटसोर्स से भी खाने की व्यवस्था थी, तो एक तरीके से हमने इसको डबलिंग माना और इसीलिए हमने उस पर्टिकुलर अधीक्षक जो पहले से ही सस्पेंडेड है उनके लिए एक अलग से आरोप पत्र ये भी जारी करवाया है कि एक तरीके से खाद्यान्न की चोरी ये मानी जाएगी कि आप डबल खाद्यान्न क्यों ले रहे थे। इसमें हमने जो अधीक्षिका है वहाँ की उसको भी जिम्मेदार माना है, उसको भी नोटिस जारी किया है। कितने लोगों को नोटिस दिए हमने, वो कितने? प्रिंसिपल और अधीक्षक यही दो जिम्मेदार है। ऑलमोस्ट एक साल का खाद्यान्न का खाद्यान्न वहाँ से लिया जा रहा था जो हम डबलिंग के रूप में मान रहे हैं। आरोपी बढ़ेंगे मैडम कि जिन लोगों ने लिया। अब जब इनकी जैसे डी तो चली रही है, इस डी में अगर कोई और मुद्दा वो खुद ही कोई नए व्यक्ति निकल कर आते हैं तो फिर हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। आपने सुना किस तरीके से जो हमने आपको ये रिपोर्ट बताया है बुरहानपुर कलेक्टर भव्य मित्तल इस बारे में क्या कही, हमने रिपोर्ट बताया और इस मामले में जो भी पूरा मामला था हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ, अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अज़ा खान, बीएनसी मीडिया बुरहानपुर।